राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बिजासन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सीएम द्वारा फिलहाल महाराष्ट्र से आने जाने के लिए यात्री बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके रात में कई यात्री बसें धड़ल्ले से चल रही थी, जिसको लेकर कल बिजासन चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने पॉइंट बनाकर बड़ी संख्या में बसों को वापस महाराष्ट्र की ओर भेजा गया। चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि कल रात में लगभग 35 से अधिक यात्री बसों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रवेश कर रही थी, जो वापस महाराष्ट्र की ओर भेज दिया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनका कहना है कि आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। विदित हो कि महाराष्ट्र से आने वाली बसें प्रतिबंधित होने के चलते अलग अलग रास्तों से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। कई बार नेशनल हाईवे से बचते हुए ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में भी यात्री बसें प्रवेश कर रही है। बिजासन से सचिन जयसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।